अहे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग फ्रेंड, आप लोग कैसे? आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, भगवान जगन्नाथ जी की पैसे हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली भी सब अच्छे हैं, चकाचक हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बने रही है वीडियो पर। बहुत लेट में करी हूँ, देखिए 9 बज गया, पूजा करके उठते उठते 9 बज गया, तो बने रहे वीडियो पर। ये देखिए मैं बना रही थी चिल्ला, और चिल्ला बनाकर बनाने के बाद मैं सब्जी भी तो बना दी हूँ, और जो हमारा उसके बाद पकौड़े को मैं जो धुल के रखी थी सुबह सुबह, जैसे तो हम ओपेरा गए थे, और ये और जो बच्ची है ना हमेशा हमारे पास रहती है, मुझे देखती है तो डांस, मतलब मैं थोड़ा बहुत उसके साथ डांस करती हूँ तो वो मेरे साथ रहती है। तो चलिए आगे देखिए और क्या क्या हम करते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मोबाइल को भी देखा मोबाइल खोल पार चलो। ये देखिए जो बच्ची बैठी घर, मतलब मैं सफाई कर रही थी तो बच्ची बैठी थी, तो डांस कर रही थी, एक सॉन्ग है उड़िया का सॉन्ग है। तो आज मंदिर की सफाई हो रहा है भाई, ये रह गया था मंदिर की सफाई, और जो हमारा सीढ़ी रूम है, सीढ़ी रूम का भी सफाई। तो पहले मंदिर की सफाई, उसके बाद सीढ़ी रूम, बस ख़त्म हो गया है हमारा जो साफ सफाई वाला, दिवाली साफ सफाई वाला। मतलब कितने दिन लग गया मुझे, एक दो नहीं 2 3 4 5 6 दिन, टोटल 6 दिन लग गया मुझे। एक रूम को तो मुझे 2 दिन लग गया। तो ये देखिए मंदिर की सफाई, और मैं
मंदिर की सफाई कर दी, करने के बाद ही सीढ़ी रूम का भी सफाई कर दी। ज़्यादा मंदिर की सफाई ज़्यादा कुछ नहीं था ना, इसीलिए तो जो ऊपर में ताजा में जो रख देती हूँ भगवान जी का जो भी चीज़ है वो सामान सब रख देती हूँ। और उसके बाद भगवान जी को नहला दी हूँ और धुल कर कपड़े वगैरह सब चेंज कर दी, अच्छी तरह से सजा धजा भी दी हूँ। अभी तो दिवाली आएगा तो साफ़ सुथरा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है ना, बहुत ही मज़ा आ जाता है भाई। साफ़ सुथरा होता है, खुद को दिखने में भी आता है, और जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं साफ़ सफाई होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे ही हमारा इधर तो अब ये अपरा चल रहा है। हम गए थे और मैं साफ़ सफाई करते करते मुझे इधर एलर्जी हो गया। धूल वगैरह जब साफ करते हैं ना एलर्जी हो जाता है ना। और देखिए मेरा टोन से ही आपको पता चल रहा होगा। देखिए कैसे कपड़े सारे सब चेंज कर दी हूँ, चेंज नहीं करी मतलब चेंज करने वाली थी, बैठी थी। और ऐसा ही काम होता है भाई। और फेस्टिवल टाइम आता है तो फेस्टिवल टाइम तो जितना हम साफ सुथरा सजावट करेंगे उतना मन को भी बहुत ही शांति मिलता है। और भगवान जी को हम हंसी खुशी और सजा धजा के स्वागत करते हैं तो और भी मज़ा आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सब सफाई वगैरह सब तो हो रहा है। ये देखिए ये मैं नहा धोकर काम मतलब खाना वगैरह सब बनाकर बनाने के बाद ही ये सब कर रही थी। और खाना बनाने के बाद करने में बनाऊंगी तो अच्छा है, नहीं तो सब करते करते लेट हो जाता है। हर डे क्या होता है ना, मैं खाना बनाकर बनाती हूँ, बनाने के बाद जो साफ सफाई सब करती हूँ तो लगभग लग जाता है मुझे 2 बज जाता है। लेकिन आज है 1:30 बजे ही मेरा काम ख़त्म हुआ, नहीं तो हर डे 2 बज जाता था। हम खाना खाकर उठते हमको 2:30 3 हो जाता था, और 2:30 3 होते हो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो हम अपरा गए थे, रात भर बैठ कर देख रहे थे, आते हैं 5:30 बजे आते हैं। ऐसे तो हम नहीं सोएंगे, ऐसे होगा तो तबीयत तो ख़राब ही होगा भाई, हाँ कि नहीं बताइए। तो देखिए रात को हम बाल धोने के लिए ऑयलिंग कर रही थी, सरसों तेल में ही ऑयलिंग कर रही थी मेरी भी और बेटी की भी। तो ऐसा ही मेरा ब्लॉग है, अभी चल रहा है साफ सफाई वगैरह। और इवनिंग का भी मैं ब्लॉग में बनाती, पानी देना भी पड़ रहा है अभी, वो भी होता है ना लेट हो जाता है मुझे, सोकर उठते ही 4:30 5 होता है, तो जल्दी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो चलिए ऐसे ही आप एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को।